भारतीय टीम के साथ हुई नाइंसाफी। टीम ने प्रैक्टिस पर जाने से किया इनकार। टीम इंडिया को दिया गया ठंडा खाना। T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए इस वक्त भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में है। आपको बता दें कि टीम इंडिया ने पहले मुकाबले में, जो कि मेलबर्न में खेला गया, वहां पाकिस्तान को मात दी। अब भारतीय टीम अपने दूसरे मुकाबले के लिए सिडनी पहुंच चुकी है, लेकिन सिडनी पहुंचने के बाद टीम इंडिया के साथ नाइंसाफी की एक खबर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय टीम ने सिडनी में प्रैक्टिस करने से मना कर दिया है। इसके पीछे की बड़ी वजह बताई जा रही है कि टीम इंडिया के होटल और साथ ही प्रैक्टिस वेन्यू में एक लंबा डिस्टेंस है। बताया जा रहा है कि करीब 45 किलोमीटर की डिस्टेंस पर प्रैक्टिस वेन्यू मौजूद है। इस वजह से भारतीय खिलाड़ियों ने वहां जाने से, प्रैक्टिस करने से मना कर दिया है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि भारतीय टीम को सिडनी में ठंडा खाना, ठंडा नाश्ता भी दिया गया है, जिससे तमाम खिलाड़ी नाराज़ हैं। पूरी बात की अगर आपको जानकारी दें तो बुधवार यानी कि आज ही के दिन सुबह 7 बजे भारतीय समय अनुसार रिपोर्ट सामने आई, जिसके मुताबिक भारतीय टीम को ठंडा खाना दिया गया। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि भारतीय टीम के होटल और साथ ही प्रैक्टिस वेन्यू में करीब 42 से 45 किलोमीटर की दूरी है, जिस वजह से भारतीय खिलाड़ियों ने वहां जाने से भी इनकार कर दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो टीम इंडिया के प्रैक्टिस पर ना जाने के पीछे एक और बड़ी वजह यह भी है कि भारतीय टीम ने लंच को भी बायकॉट किया, साथ ही टीम इंडिया को ठंडा नाश्ता दिया गया। इस नाश्ते में टीम इंडिया के लिए सैंडविच शामिल था और साथ ही फ्रूट शामिल थे, जिसे खिलाड़ियों ने नापसंद किया और इसके बाद इसकी शिकायत सिडनी क्रिकेट ग्राउंड से संबंधित अधिकारियों को भी की गई है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय टीम के एक सदस्य ने बताया है कि फूड मानकों के अनुरूप नहीं था। अभ्यास सत्र के बाद हम सैंडविच नहीं खा सकते हैं। कुछ खिलाड़ियों ने मैदान पर फ्रूट खाए, जबकि बाकी ने होटल में खाना खाने का विकल्प चुना। साथ ही बताया जा रहा है कि भारतीय टीम को ठंडा खाना देने के साथ साथ प्रैक्टिस वेन्यू में भी काफ़ी दूरी है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि BCCI की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन टीम इंडिया के सूत्रों के अनुसार यह खबर पूरी तरीके से सही मानी जा रही है। बता दें कि भारतीय टीम गुरुवार यानी कि 27 अक्टूबर को नीदरलैंड के साथ अपना मुकाबला सिडनी में खेलेगी। भारतीय समय अनुसार ये मुकाबला सुबह 12:30 बजे शुरू होगा, लेकिन इससे पहले टीम इंडिया प्रैक्टिस सेशन में नहीं जा रही है। 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के साथ मुकाबला खेला गया था, जहां भारतीय टीम ने 4 विकेट से जीत हासिल की थी। बहरहाल BCCI की तरफ से जब कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है, ज़रूर आपको अवगत कराएंगे। आपकी क्या कुछ राय है भारतीय टीम को ठंडा खाना दिए जाने पर, साथ ही प्रैक्टिस वेन्यू की दूरी को लेकर, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।